Hello everyone, I welcome you all to the current affairs channel from the Win IAS. हम लोग अभी लेटेस्ट में न्यूज में अभी चल रहा है आपका नाम गिलगित बलिस्तान. गिलगित बलिस्तान रीजन में अभी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन अलाउ कर दी और इन पर्टिकुलर इलेक्शन पे इंडियन ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है, या इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अपना कन्वे किया है उनको. और यहाँ पर IMD ने एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है, वो काम हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में. लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये गिलगित बलिस्तान रीजन कॉन्फ्लिक्ट में क्यों है, ये इतना कॉन्फ्लिक्टेड एरिया क्यों है, या इन पर्टिकुलर रीजन हम लोग क्या क्या स्टैटिक पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा. तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और जो भी खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं आपको याद करवा दूंगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं. गिलगित बलिस्तान आपका पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो आपने सुना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसका एक हिस्सा है. जो नॉर्थ नॉर्थ वाला जो हिस्सा है उसी को हम लोग कहते हैं गिलगित बलिस्तान. अभी जो आपके सामने मैप दिखाई दे रहा है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के 370 आर्टिकल को एबोलिशमेंट करने के पहले का है. 370 आर्टिकल एबोलिश करने के पहले का है. यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपको एक पूरी रियासत दिखाई दे रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. वो मैं आपको वो न्यू मैप भी आपको दिखाने वाला हूँ. जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन आई हैव पुट दिस पर्टिकुलर मैप. तो यहाँ पर आपको गिलगित बलिस्तान दिखाई दे रहा है जो पाकिस्तानी कंट्रोल में है. हाल फिलहाल में अभी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम लोग यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन इंडिया का कहना है कि इस पर्टिकुलर रीजन में पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है. पाकिस्तान की गवर्नमेंट से यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है. और इसी पर्टिकुलर सेशन के दौरान यहाँ पर एक छोटी सी चीज निकल के आ रही है कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में लास्ट में हम लोग जानेंगे, इसने अभी क्या किया कि इस पर्टिकुलर रीजन को अपनी वेदर रिपोर्ट में शामिल करना चालू कर दिया. और यहीं से आपका पूरा न्यूज बन जाता है कि IMD ने जब इसको अपने वेदर रिपोर्ट में शामिल कर लिया, इसका मतलब, सीधा सा मतलब ये होता है कि गिलगित बलिस्तान विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. तो आइए चलिए जानते हैं सबसे पहले कि गिलगित बलिस्तान है क्या, या गिलगित बलिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है क्या. यही चीजें हम लोग पहले जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की न्यूज पर एनालिसिस करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि गिलगित बलिस्तान में मुजफ्फराबाद और रीजन ऑफ द पीओके, ये दिस इशू अराइजेस अमिड पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अलाउइंग इलेक्शंस इन गिलगित बलिस्तान. तो अभी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बलिस्तान में इलेक्शंस अलाउ कर दिए, इससे सारे के सारे यहाँ पर आपको इश्यूज अराइज हो रहे हैं. एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रोटेस्टेड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टू पाकिस्तान ओवर दिस ऑर्डर ऑफ कंडक्टिंग जनरल इलेक्शन इन गिलगित बलिस्तान एरिया. अभी भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या स्टेटमेंट दिया उसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ है. दैट एंटायर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ गिलगित एंड बलिस्तान आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट इस्लामाबाद शुड इमीडिएटली वेकेट द एरियाज अंडर इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन. एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि इस्लामाबाद को यहाँ पर इलीगल जो ऑक्यूपेशन करके रखा है इसको जल्दी से जल्दी वेकेट कर लेना चाहिए, क्योंकि गिलगित बलिस्तान इंडिया का ही एक अभिन्न अंग है. गिलगित बलिस्तान आपका हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में बना हुआ एक क्षेत्र है, या जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से अभी एक कॉन्फ्लिक्ट वाला ही इलाका हम लोग कह सकते हैं. तो इसके कॉन्फ्लिक्ट में होने की क्या आखिर वजह है, हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं. तो आपको यहाँ पर जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके राजा हरि सिंह. राजा हरि सिंह है, राजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ जे एंड के इन इंडिया, मतलब इन्हें जे एंड के जो भी रियासत थी उसको इंडिया में मर्जर करना इन्हें अप्रूव कर दिया. लेकिन हुआ क्या कि गिलगित बलिस्तान वाला जो एक ईस्ट वेस्टर्न रीजन था, वहां के कर्नल थे मिर्जा हसन खान. मिर्जा हसन खान ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, रिवोल्टेड अगेंस्ट हरि सिंह, और गिलगित बलिस्तान को इंडिपेंडेंट यूनिट घोषित कर दिया. अब यहीं से पूरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि ये जे एंड के तो शामिल हो गया इंडिया में, लेकिन ये हसन खान ने जो अपना गिलगित बलिस्तान वाला रीजन था उसको अपनी इंडिपेंडेंट यूनिट घोषित कर दिया. तो अब यहाँ पर पाकिस्तान ने और इंडिया ने दोनों ने अपने अपने दावे पेश किए. लेकिन 28 अप्रैल 1949 को, कब, 28 अप्रैल 1949 को कराची अग्रीमेंट हुआ. ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, कराची अग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि गिलगित इज अंडर पाक गवर्नमेंट. इसमें क्या, पाक गवर्नमेंट ने ही एक अग्रीमेंट कर लिया, किससे, मिर्जा हसन खान या जो भी वहां का इंडिपेंडेंट शासक रहा है उस समय, उससे एक अग्रीमेंट कर लिया कि
पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर में ही हम लोग गिलगित बल्तिस्तान को लाएंगे, या फिर गिलगित बल्तिस्तान की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर ही होगी। तो नाइट स्टूडेंट्स, यहीं से आपका पूरा की पूरा कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है कि जे एन के मर्जर हुआ आइडिया के साथ, लेकिन मिर्जा हसन खान ने रिवोल्ट किया राधा हरि सिंह के खिलाफ, और आपका जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन था उसको इंडिपेंडेंट रीजन घोषित कर दिया। तो गिलगित बल्तिस्तान हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में बना हुआ है। जैसे कि आपको मैप में अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि गिलगित बल्तिस्तान एजेंसी या फिर गिलगित एजेंसी, ये बल्तिस्तान वाला रीजन है। एंड दिस पर्टिकुलर मैप इज आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमको याद रखना है कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वो कब बनाया गया था। द डेट इज 31 अक्टूबर 2019। ये डेट हमेशा याद रखिएगा, ये किसके लिए होती है। 31 अक्टूबर 2019 इज द डेट इंपॉर्टेंट फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो। इट इज द बर्थ एनिवर्सरी, ये भी ध्यान रखना आपको, फर्स्ट होम यूनियन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। इसी दिन के उपलक्ष को हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। कौन कौन से थे वो दो यूनियन टेरिटरीज, वो भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज लद्दाख, और लद्दाख की जो कैपिटल प्लेस होगी वो होगा आपका लेह लद्दाख। क्या होगा, लेह लद्दाख यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है। लेह लद्दाख विल बी द वन डिस्ट्रिक्ट विच इज गोइंग टू बी द कैपिटल प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी लद्दाख। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर इज अनदर यूनियन टेरिटरी, और जिसकी कैपिटल प्लेस होगी जम्मू। नवंबर से अप्रैल में जम्मू कैपिटल प्लेस होगा, और आपका श्रीनगर कैपिटल प्लेस होगा मई से अक्टूबर में। इन टोटल विंटर में आपका जम्मू होता है कैपिटल, और समर सीजन में आपका श्रीनगर कैपिटल होता है। तो कैपिटल प्लेस यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस यूनियन टेरिटरी। हियर इट इज गिलगित एजेंसी, और यही पूरा पर्टिकुलर, और हियर इट इज बल्तिस्तान। गिलगित एजेंसी पर अभी किसका पर्टिकुलर शासन है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडिया ने भी अपना यहाँ पर दावा पेश किया है। पाकिस्तान टाइम टाइम पर यहाँ पर अपना दावा पेश करता रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है, दिस रीजन इज पाकिस्तान ने अपना चाइना जो उसका दोस्त है उसको यहाँ पर गिफ्ट कर दिया। ये वाली जो पर्टिकुलर रीजन है ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब चाइना से ही उसके जो रिलेशन है, और चाइना के लिए ही ये दिस पर्टिकुलर रीजन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द सीपेक एंड ओबोर। अभी सीपेक एंड ओबोर पे हम लोग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये पर्टिकुलर रीजन पाकिस्तान और चाइना की नजरों में बना हुआ है। इज इट ओके और नॉट, तो यहाँ पर ये देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं ये अक्साई चीन 1961 या 62 के जो वॉर के बाद से इस पर्टिकुलर रीजन पे चाइना ने अपना अधिकार जमा रखा है। तो आई होप इस पर्टिकुलर मैप में आप लोग देख चुके होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक पर्टिकुलर हमारा एक रीजन हुआ करता था उसके कितने अलग अलग पार्ट्स हैं, और कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स पे कितने किन किन लोगों का अभी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो चाइना के लिए ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए यहाँ पर उसका जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इट इज वन बेल्ट वन रोड ओबोर का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासेस थ्रू दिस रीजन, और इस रीजन को आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका काशगर है चाइना में, एंड ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में। जैसा कि मैं आपको मैप में बता देता हूँ इसको हम लोग मैप में अगर देखेंगे, सी हियर यहाँ पर आपको काशगर दिख रहा होगा, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पर दिख रहा है काशगर, जो कि चाइना का पार्ट है। यस और नो, और चाइना का पार्ट, और ये देखिए यहाँ पर पीओके में भी इतना सारा रीजन, ये वाला जो रीजन यहाँ पर सीपेक पास हो रहा है पीओके से, इसीलिए चाइना के लिए ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से इसका सीपेक गुजर रहा है, दिस पर्टिकुलर रोड इज पासिंग थ्रू दिस रीजन। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ही चाइना डायरेक्टली यहाँ पर ग्वादर, ये देखिए यहाँ पर एक ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट ये इसके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहीं से इसके सारे जो अफ्रीका और वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न एशिया है, यहाँ से वो डायरेक्टली सीधे व्यापार स्थापित कर सकता है। ठीक, तो इसीलिए ये यहाँ पर जो आपका गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है पीओके के अंदर का आता है। इसमें उसने कई इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी करवा रखे हैं, यहाँ की मिनरल वेल्थ पर भी उसकी नजर है, और यहाँ पर उसमें कितने सारे प्रोजेक्ट्स भी चला रखे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट उसको आते हैं सीपेक के अंतर्गत। सीपेक मतलब क्या होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा रूट बताया। इस रूट में आपको दो पॉइंट्स याद रखना है, फर्स्ट वन इज ग्वादर जो आपका है बंदरगाह यहाँ पर पाकिस्तान में, और वन इज काशगर, काशगर कहाँ पे होगा आपका चाइना में, ठीक है ना। तो चाइना ने यहाँ पर एक
काराकोरम हाईवे भी बनाया था 60s के दशक में, काराकोरम हाईवे भी यहाँ पर बनाया था, जो भी उसके लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपने देखा कि ओबर किस तरह से उसका काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ओबर प्रोजेक्ट पासेस थ्रू दिस रीजन, काशगर, ग्वादर आपको याद रखना है। China invested heavily for the mineral wealth and hydroelectricity project here. Chinese cargo was transported overland to Gwadar port. मतलब ये लैंड के थ्रू ही होते हुए ग्वादर पोर्ट तक वो पहुंच पा रहे हैं, और कहां पर वो अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज और वेस्ट एशियन कंट्रीज में अपना व्यापार स्थापित यहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए चाइना की अधिकतर उस पर नजर होती है। या जो भी आपका रीजन है गिलगित बल्तिस्तान, वो स्ट्रेटेजिकली चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने अभी देखा कि किस तरह से जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है स्ट्रेटेजिकली सारी कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे लोग वहां पर अपना अपना अपनी अपनी नजर बनाए रखे हैं। लेकिन हम लोगों को अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टेटिक जीके पॉइंट भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान रीजन में K2 सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पिक जो है यहाँ पर क्या है, वो K2, वो आपका यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान रीजन में सिचुएटेड है। ये आपका K2 नहीं है, दिस इज द बियाफो ग्लेशियर, जो आपको पिक्चर में मैंने बताया, ये बियाफो ग्लेशियर का पिक्चर है। ये क्या होता है, बियाफो एंड बटूरा, दिस टू नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ग्लेशियर्स आर इन द गिलगित बल्तिस्तान। ये जो ग्लेशियर है ना गिलगित बल्तिस्तान में, दो ग्लेशियर है, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द longest glaciers outside the polar region. Polar region जो ध्रुवी क्षेत्र है ना आपके, नॉर्दर्न पोलर रीजन और सदर्न पोलर रीजन को छोड़ दिया जाए, तो आपके बियाफो और बटूरा longest आपके यहाँ पर glaciers बनाते हैं, they are situated in the गिलगित बल्तिस्तान region. So once again you must remember K2 is here, बियाफो एंड बटूरा, छोले भटूरे से याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बियाफो एंड बटूरा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी एग्जामिनेशन में एक 1-1 मार्क के क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए ये तो हो गई बात आपकी गिलगित और बल्तिस्तान की, लेकिन अभी IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काफी सराहनीय काम किया है। उसने क्या किया कि जो भी आपका रीजन था ना गिलगित और बल्तिस्तान का, उसको अपनी वेदर रिपोर्ट में शामिल करना स्टार्ट कर दिया, और वो जब शामिल करना स्टार्ट कर दिया तो इससे एक मैसेज पहुंचता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि हम लोग इसको अभी भी अपना हिस्सा मानते हैं और ये हमारा ही हिस्सा है, इट्स अवर इंटीग्रल पार्ट। सो IMD रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर हैज स्टार्टेड इंक्लूडिंग सिटीज अंडर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इन इट्स फोरकास्ट। IMD डायरेक्टर जनरल ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, दे हैव बीन मेंशनिंग एरियाज अंडर POK अंडर इट्स डेली वेदर बुलेटिन एवर सिंस द बाइफर्केशन ऑफ J&K। जब से बाइफर्केशन हुआ है, कब हुआ था बाइफर्केशन, तो बोलेंगे 31st October 2019 को जब दो यूनियन टेरिटरीज बनी थी, तब से वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। इट्स वेरी पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पर हम लोग अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में ऐसा करके। तो IMD के बारे में कुछ जानते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो यू मस्ट रिमेम्बर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपका मौसम विभाग या भारत मौसम विभाग आता है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये ध्यान रखिएगा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर कौन है, सो यू विल टेल डॉक्टर हर्षवर्धन, जो आपके तीन और मिनिस्ट्रीज होल्ड करके रखे, ही इज ऑल्सो मिनिस्टर फॉर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ही वो भी मिनिस्टर के लिए भी वही मिनिस्टर है, और आपके अर्थ साइंसेस के लिए भी वही मिनिस्टर है जो आपको यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रहे हैं। आपको हमेशा न्यूज में कोरोना फाइटिंग के अगेंस्ट में हमेशा ये न्यूज में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिगर पर्सनैलिटी एज विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट इज डॉक्टर हर्षवर्धन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट में गिलगित बल्तिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि गिलगित बल्तिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है क्या, गिलगित बल्तिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद IMD ने अभी क्या स्टेप एक्वायर किया है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आपसे क्या कहा है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हिस्ट्री हमने जाना कि किस तरह से राजा हरि सिंह ने अपना राज्य किस इंडिया को दिया था या पाकिस्तान को, और लास्ट में आपको यहाँ पर कुछ स्टैटिक जो जीके पॉइंट्स है वो हमेशा याद रखना है ओबोर
सीपेक, इन सारी चीजों के बारे में आपको एक क्लियर कट समरी बना करके इस पर्टिकुलर वीडियो से लेकर के जाना है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होगी। इसी तरह से हम लोग आपके लिए करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके लिए आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। वीडियोस को ध्यान से देखिए, लाइक करिए और VIN IAS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगले करंट अफेयर टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।